फिर से दोस्तों हमने दो एप्लीकेशन लेकर आके यूजर पैनल और एडमिन पैनल आप देख सकते हो, और इसका नाम है दोस्तों हमने गेम बाइंड रखा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सिंपली गेम खेलकर भी पैसा कमा सकते हो, और ये स्केचवेयर प्रो की मदद से बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले यह मैं बता देता हूँ कि यह एप्लीकेशन है जो कि पेड मिलेगा और दोस्तों आपको काफी कम रेट में मिल जाएगा, वो भी 250 रुपये में। तो चलिए इसको ओपन करते तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलता है आप लोग को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंपली गूगल लॉगिन का सिस्टम है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर फटाफट से एक ईमेल आईडी डालकर है जो कि लॉगिन फटाफट से कर लेता हूँ। ठीक है, तो जितने भी ईमेल आईडी होंगे आपको एकदम पूरा रियल आपको देखने को मिलेंगे, आप किसी से एक से लॉग इन कर लेना। तो मैं किसी एक से लॉग इन कर लिया हूँ और थोड़ी सी मैं वेट करता हूँ बिकॉज मेरा इंटरनेट स्लो था इसलिए। ओके दोस्तों, जैसे ओपन करो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। भाई यहाँ पर पुशअप करेगा बंदा, उसके बदले भी आपको पैसे देखने को मिलेंगे एंड रिडीम कोड वगैरह और ड्राइवर वगैरह है, और देख सकते हो इतना सारा चीज आपको मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गेम इनवाइट और ये वॉलेट का सिस्टम भी है देख सकते हो दोस्तों। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कूपन कोड डालेंगे, तो कूपन कोड है यहाँ पर मैं सब्सक्राइब डालता हूँ क्योंकि हमने सब्सक्राइब है जो कि रखा है कूपन कोड, जिसे यहाँ पर सब्सक्राइब में लिखता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर है जो कि क्लाइम करूंगा तो यहाँ पर सिंपली एक ऐड आ जाएगा, तो ये एडमुक का ऐड है, आप लोग रियल ऐड शो होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको रियल ऐड शो होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से जैसे मैंने क्लेम किया तो मेरे को 50 कॉइन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो एडमिन पैनल से। और यहाँ पर एक ऑप्शन है पुशअप, जैसे मैं पुशअप पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर थोड़ी सी वेट करूंगा, एड लोड हो गया। अभी फिर से क्लिक किया तो यहाँ पर एक छोटी सी ऐड आ गया, तो ठीक है इस ऐड को मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, पूरी एडमुक का ऐड ही लगाया गया क्योंकि ये रियल है और ये काफी पैसा भी देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो टाइमिंग चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टाइमिंग जैसे रुकेगा ये पुशअप बंदा कंप्लीट कर लेगा तो आपको क्वाइन मिल जाएगा। देख सकते हो ओ नो का ऑप्शन भी आ गया और आपका क्वाइन है जो की एड कर दिया गया। तो और दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरा भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है गेम्स का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गेम्स का भी एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप पहले यहाँ पर डेली चेकिंग पे हम क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर दोस्तों एक ऐड आ गया, इस ऐड को मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर दो और मेरे को क्वाइन मिल चुका है। और यहाँ पर क्लाइम करोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी बताएगा, ठीक है एक दिन में एक ही बार क्लिक कर सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पर गेम को कैसे प्ले करना, तो जैसे आप प्ले पर क्लिक करते हो ना गेम को, तो यहाँ पर एक छोटी सी ऐड आ जाती है, तो इस ऐड को आपको कट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐड को कट कर दो, मैंने टेस्ट ऐड लगाया है। ठीक है, आप लोग में रियल ऐड शो होगा, डेमो एप्लीकेशन देखना है तो ठीक है। और देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके के आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लोडिंग अभी ले रहा है गेम, ये है जो कि गेम जॉब। और दोस्तों इस गेम का अगर जो यूआरएल आप यूज करोगे ना, अगर आप गेम जॉब का पार्टनरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका जीमेल यानी कि आपको ईमेल है जो आपको गेम जॉब का, उसको आपको जाकर मैसेज करना है गेम जॉब को, भाई कि मुझे पार्टनरशिप में ज्वाइन करना है बिकॉज आई एम, इस तरीके से आपको मॉल करना है, जैसे कि सब्जेक्ट में लिखना है पार्टनरशिप और दोस्तों मैसेज में आपको लिख देना है आई एम स्केचवेयर डेवलपर, आई एम यू टू गेम यू आर एल फ्रॉम, एंड दोस्तों इस तरीके से आपको लिख देना आई एम ज्वाइन पार्टनरशिप इंटरेस्टिंग, इस तरीके से कुछ भी आप लिख उनको मैसेज कर देना। ठीक है, तो आप गेम जॉब का पार्टनरशिप बन जाओगे ना, तो आपको जो कि और भी फायदा होगा दोनों तरीके से, एक तो ऐड से भी होगा और गेम खेलेगा जो यूआरएल, और 50% का पार्टनरशिप बन जाओगे गेम जॉब का। ठीक है, तो इस तरीके से अभी दूसरा ऑप्शन तीसरा इन्वाइट, जिसे आप इन्वाइट पे क्लिक किया, यहाँ पर अप्लाइड रेफर कोड पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि यहाँ पर है जो कि रेफर कोड वैलिड बता रहा है क्योंकि ये किसी यूजर का नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो इनवैलिड बता रहा है क्योंकि गलत हमने डाला था इसलिए। तो यहाँ पर देख सकते हो इनवाइट फ्रेंड पे जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, यहाँ पर ये भी फंक्शन लगाया गया। मैं यहाँ पर अभी सेव मैसेज में कर लेता हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने एप्लीकेशन लिंक कहीं पर नहीं अपलोड किया, इसलिए लिंक मैंने नहीं डाला था, तो इसलिए एप्लीकेशन लिंक नहीं सो रहा, ये एडमिन पैनल से आप डाल सकते हो। ठीक है, ये भी सिस्टम है। और वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि भाई कुछ ऐसे इस तरीके से आप कुछ भी यार डाल सकते हो, जैसे आप पाकिस्तान से हो जो भी, सारा बांग्लादेश वाला सारा कुछ आप पेमेंट सिस्टम डाल सकते हो एडमिन पैनल से। ठीक है, और कुछ इस तरीके से था। अभी मैं यहाँ पर से देख सकते हो वॉलेट पे आता हूँ फिर से, एंड दोस्तों आपको रिडीम लगा कर भी दिखा दो, हमने यहाँ पर 50 कॉइन बराबर 1 रुपया दिया अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो वो भी एडमिन पैनल के थ्रू। जैसे आप रिडीम पे क्लिक किया, यहाँ पर अपना जो भी पेटीएम नंबर मांग रहा है वो डाल दीजिए, तो मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ भी नंबर डाल देता हूँ। जी हाँ,
यहाँ पर रैंडमली कुछ भी नंबर डाल दिया हूँ और यहाँ पर मैं रिडीम पे क्लिक करूँगा तो बोल रहा है 24 से 48 घंटा में वेरीफाई होगा और पेमेंट मिल जाएगा और यहाँ पर हिस्ट्री जितना भी रिडीम वगैरह किया वो शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के इतना सिस्टम है। ठीक है, हमारे यूजर पैनल ड्रावर में कुछ इतना चीज़ देख सकते हो, टर्म्स एंड सारा कुछ हमने सेट किया है। ओके, ये सब आप लोग को सेट करना होगा। ठीक है, तो अभी चलते एडमिन पैनल में आते हैं। एडमिन पैनल में देख सकते हो क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलता है गाइज। ठीक है, तो सिंपली आप देख सकते हो एडमिन पैनल में कुछ इस तरह के हमने जो कि डिजाइन किया और देख सकते हो जितना भी सारा कुछ शो हो रहा है। तो सबसे पहले देख सकते हो टोटल यूजर में आप जितना भी यूजर रजिस्टर होगा यहाँ पर सारा कुछ शो कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो कुछ एक्टिव ब्लॉक वगैरह में और यहाँ पर सर्च वगैरह कर सकते हो। अभी दूसरा है ब्लॉक में आपने जितना यूजर को ब्लॉक किया था वो शो हो जाएगा। एंड तीसरा है जो रिक्वेस्ट पेमेंट, जी हाँ दोस्तों इसका क्या काम है वो भी। यहाँ पर आप सक्सेस देखना चाहते हो कितने आपने पेमेंट किया वो दिखा जाएगा सक्सेस पे। और पेंडिंग पे जैसे क्लिक करो कितना अभी पेंडिंग है जो कि आपको पेमेंट करना है, इनसे आप कर सकते हो। जिससे आप यहाँ पर जैसे मैं अभी रिडीम लगाया जो कि ये वाला 100 रुपया, अभी मैं इस पर टाइप करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर से फिर से करता हूँ पेंडिंग वाले पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, वापस मैं चला जाता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर है जो कि पेंडिंग किसी का भी मैं क्लिक करता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर सारा डिटेल आपको शो हो जाएगा कितना रुपया पेमेंट आईडी वगैरह और पेंडिंग है। यहाँ से आप कॉपी पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी नंबर वो कॉपी हो जाएगा, आईडी सिंपली कॉपी हो जाएगा ना। तो आप यहाँ कॉपी पे क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा आपका आईडी। और सिंपली ये आईडी को कॉपी कर आप जहीं पर भी पेस्ट कर कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक कर दो तो ये सक्सेस हो जाएगा। यहाँ से बैक आते एंड रिक्वेस्ट पेमेंट एंड सक्सेस पे आते तो यहाँ पर दोस्तों ये सक्सेस हो चुका अभी जो रिडीम किया था। और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ऐड पेमेंट, जी हाँ दोस्तों ऐड पेमेंट देखने को मिल रहा होगा। इसका क्या काम है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर वॉलेट में आ जाओ, जो मैंने यहाँ पर पेमेंट ऐड किया है सारा कुछ उसी से मैंने ऐड किया है। जी हाँ दोस्तों यहीं से आपको ऐड करना जितना भी आपका शो रहेगा। आप चाहो तो यहाँ से जो कि डिलीट भी कर सकते हो एडमिन पैनल से, जितना भी आप पेमेंट यहाँ पर ऐड किए हो तो ये सारा कुछ आपका जो कि डिलीट हो जाएगा। जी हाँ यहाँ पर से डिलीट हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके, ऐड पेमेंट पे क्लिक करते सबसे पहले यहाँ पर से एक इमेज को अपलोड करना है किस चीज़ में आप पेमेंट देना चाहते हो। जैसे आप पेटीएम लाइक जैस कैश, बांग्लादेश में कुछ और होता है, पाकिस्तान का कुछ और होता है, वो अपना जो चीज़ भी मैं डालना चाहता हूँ वो यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर पेटीएम का एक लोगो डाल देता हूँ, फटाफट से पेटीएम का अपलोड कर दिया हूँ। और देख सकते हो यहाँ पर से ये अपलोड हो रहा है। एंड यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं पेटीएम। पेटीएम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर पेमेंट आईडी में क्या शो करवाएगा वो डालना। ठीक है, तो भी यहाँ पर शो करा देता हूँ पेटीएम नंबर में लेना चाहता हूँ यूजर का। ओके, एंड कितना क्वाइन आप देना चाहते हो, कितने क्वाइन बराबर कितना रुपया दोगे यहाँ पर नीचे में आपको लिख देना है मनी सिंपली। ओके, 100 क्वाइन बराबर में 1 रुपया देना चाहता हूँ और ऐड कर देना, यानी कि सेंड कर दोगे तो ये हो जाएगा सिंपली। तो सिंपली ऐड कर देना तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो कि 1 रुपया आ गया और 100 क्वाइन बराबर भी आ चुका है। देख सकते हो यहाँ पर चेंज हो गया। आप अनलिमिटेड पेमेंट ऐड कर सकते हो एडमिन पैनल के थ्रू। जी हाँ दोस्तों यहाँ से मैं सिंपली बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर ऐड गेमिंग क्या है, जी हाँ दोस्तों इसका क्या यूज कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी हमने गेम वहाँ पर अपलोड किया था जस्ट लाइक यहाँ पर गेम पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से बबल शूटर ये सब, यहीं से आपको ऐड करना है। जी हाँ आप यहाँ पर से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक डिलीट भी किया तो वो डिलीट हो गया होगा। तो कौन सा आप गेम अपलोड करना चाहते हो उसका इमेज डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बबल्स वाला फोड़ने वाला डाल लेता हूँ। ठीक है, ये अपलोड हो रहा है। अभी देख सकते हो कितना सेकेंड आप उसको प्ले करवाना चाहते हो। ठीक है, वो मैं 60 सेकेंड एंड कितना क्वाइन दोगे वो डाल देना है। तो मैं URL है जो कि यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र से जाता हूँ और गेम जॉब वाला जो कि आप पार्टनरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा तो उसका आपको अलग एक अकाउंट बन जाएगा, वहाँ से आप गेम का URL आप डाल सकते हो इस तरीके से। ओके, तो आप कोई सा भी गेम डाल सकते हो, उसका जस्ट इमेज डाउनलोड कर लेना। यहीं से आप लोग को पता है कैसे करना है, URL को कैसे निकालना वो मैं बता देता हूँ। जैसे इस इमेज पर मैं क्लिक किया हूँ, ठीक है, ये गेम को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप है जो कि इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ से देख सकते हो कि इसका लिंक आपको कॉपी हो जाएगा। URL है जो कि यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप सेंड कर दोगे तो ये गेम है जो कि सिंपली यूजर पैनल में ऐड हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है, तो इस तरह के कुछ URL था तो मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो यूजर पैनल में देख सकते हो ये ऐड भी हो चुका है। इस तरीके से आप एडविन पैनल से ऐड कर सकते हो। अभी मैं सिंपली बैक आता हूँ, यहाँ पर कूपन कोड का क्या काम है यहाँ पर, ठीक है। तो कूपन कोड है जो कि मैंने जो सब्सक्राइब वाला लगाया था जो 50 क्वाइन है, इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ एंड ऐड न्यू कोड पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर कोड मैं आप खासी कोड रखना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लाइक रख रहा हूँ, आप चाहो तो कोई सा नंबर में भी रख सकते हो और क्वाइन कितना देना चाहते हो भाई इस कोड के बदले, तो मैं 10 क्वाइन दूंगा, ठीक है। और ये पर देख सकते हो यहाँ पुशअप में आएंगे, यहाँ पर कूपन कोड में जो अभी हमने रखा था लाइक, जैसे यहाँ पर लाइक पे क्लिक करोगे और क्लाइम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक छोटी सी ऐड आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़े से वेट कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग को वेट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर ये हो गया कूपन कोड का आपका हो जाएगा। अभी यहाँ पर ऐड ड्रावर लिंक का क्या काम है, इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो तो इसका यूआरएल आप कुछ भी डाल सकते हो। ऐप गाइड्स में दोस्तों आपको क्या चीज़, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इधर आ जाते हैं, ऐप गाइड में अपना जो यूट्यूब का लिंक मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके आपको डाल लेना, मैं फटाफट से यूट्यूब में आ जाता हूँ। अपना YouTube में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो कि अपना चैनल को मैं फटाफट से सर्च कर लेता हूँ एंड कोई सा भी एक वीडियो का लिंक डाल लेता हूँ फटाफट से। ये देख तो यहाँ पर ऐप गाइड किस तरीके से वर्क करना है उसके लिए है यह वाला दोस्तों, ओके। इस तरीके से आपको यहाँ पर सेंड कर देना ऐप गाइड में, और वो इन वाइट फ्रेंड वाला में तो यहाँ पर सेंड कर सकते हो, या चाहो तो ऐप ऐप गाइड का चेंज करना तो ऐप गाइड का चेंज कर सकते हो, इन वाइट फ्रेंड वाला तो आप इस तरीके से भी आप सेंड कर सकते हो। और मैं यहाँ पर यूजर पैनल में आ जाता हूँ और दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, ऐप गाइड पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो कि यही वीडियो है जो कि चालू हो जाएगा। बिकॉज मैं अपने में नहीं प्ले करना चाहता हूँ क्योंकि अति मेरा आईडी भी बैन हो सकता है इस कारण, ओके ठीक है, इसलिए मैंने नहीं चलाया। और यहाँ इन्वाइट फ्रेंड पे मैंने क्लिक करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर शेयर पर मैं क्लिक करता हूँ, सेम मैसेज में चले जाता हूँ। तो देख सकते हो हमने जो लिंक डाला था देख सकते हो कि एपिक लिंक यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप इस तरीके से जो कि अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी वापस से एडविट पेन में आते हैं, बैक आते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आप सेंड कर सकते हो। तो जैसे कि इंटर टाइटल में आप क्या चीज़ डालना चाहते हो, तो टाइटल में रख रहा हो, अभी सेक टेक आप कुछ भी रख सकते हो, और मैसेज क्या देना चाहते हो जो भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर कर दूँ और सेंड कर दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा मैं वेट करूँगा ऊपर किस साइड से, देख सकते हो कि यहाँ पर आ चुका है मैसेज। अभी देख सकते हो, अभी सेक्ट एक टाइटल आ गया है, एडमिन पैनल दोनों में आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से वर्क करता है। और अपडेट में आते, अपडेट में आप कैसे आप अपडेट कर सकते हो, जैसे 1.0 था मेरा अपडेट, तो मैंने यहाँ पर चेंज किया 1.1 जैसे जस्ट लाइक। एंड बहुत न्यूज, आप क्या न्यूज देना चाहते हो, क्या क्या चीज़ बैग वगैरह फिक्स किया वो सब डाले हो, और एपी के लिंक कर आपको सेंड कर देना। अभी जस्ट लाइक मैं यूजर पैनल में आऊँगा तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं फिलहाल अभी अपडेट नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पर लेटर में कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जब तक अपडेट नहीं रहेगा ये ओपन नहीं होगा एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम मैंने लगाया। अगर आपको ये एप्लीकेशन लेने में इंटरेस्टिंग है तो आप फटाफट से मैसेज कर सकते हो।